नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी बहोर से। आज हम लोग जी बीएड एंट्रेंस टेस्ट का पेपर जो है 2019 वाला वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है जी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 150, और इसके मार्क्स भी मैक्सिमम कितने होते हैं 150, और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है जी। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो गौर कीजिए जी, बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2019, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जीके का है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 इज। 2019 में जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जो कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था जी? ये थे जी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसका आंसर ए आएगा जी। आपको पता ही है जी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है ये पहले इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे। इसरो जिसको हम कह देते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी? बेंगलोर में। जो ये कमेटी बनाई गई थी जी, इसमें टोटल 11 मेंबर थे जी, इंक्लूडिंग के कस्तूरी रंगन जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इज। सबसे पहले तो आपको पता जी मैग्ना कार्टा क्या था जी? इंग्लैंड के लोगों को जी 1215 में कुछ एक अधिकार दिए गए थे, जिसको नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। इसके बाद कभी भी किसी को कोई भी राइट दिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भी ये तो मैग्ना कार्टा है। जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट ऐड किए गए हैं, तो इसको क्या कहा गया है? ये तो मैग्ना कार्टा है। और इसका जो आर्टिकल आपको पता है 12 से लेकर 35 तक के, यानी एक एक की जगह 3 करना है, बाकी सारा सेम चलेगा जी। सेम वे अब हम बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन में मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है। यह कहा गया है वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट को, जो कि 1854 में आई थी। वुड्स डिस्पैच, इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था जी? चार्ल्स वुड को, और इन्हीं के नाम पर इसे वुड्स डिस्पैच नाम दिया गया है। इसके अलावा जी इसे इंटेलेक्चुअल चार्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी की सिफारिशों पर 1855 में, यानी अगले साल ही, डीपीआई की स्थापना की गई है। डीपीआई यानी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, और इसी की रिकमेंडेशन पर इंडिया में पहली 3 यूनिवर्सिटी बनी जी 1857 में। पहली बनी थी जी कैलकटा में, दूसरी बॉम्बे में, तीसरी मद्रास में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जी, डैश इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। देखो एक क्लियर कट नजर आ रहा है वैलिडिटी, तो इसका आंसर बी आएगा। यानी क्या कहना चाहता है? वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स। एक टेस्ट जो है जी मेजर क्या करता है? उसकी वैलिडिटी की डिग्री मेजर करता है, और उससे उम्मीद भी यही की जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। देखो जी, हमें पूछा गया है हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि एक फ्लूइड पैदा करता है, जिसको बाइल के नाम से हम लोग जानते हैं। यह हमें पता है जी लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका आंसर ए आएगा। ये कौन से कलर का होता है? या तो होगा ये येलो, या फिर ब्राउनिश, या फिर ओलाइव ग्रीन। इसका काम क्या होता है जी? इसी की मदद से हमारी बॉडी जो है जी फैट को डाइजेस्ट कर पाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जी, डेसिबल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग। बहुत पेपरों में आया क्वेश्चन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मापता है जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। इसका आंसर बी आएगा। देखो नॉर्मली हम लोग जो साउंड सुन पाते हैं वो होती है 80 डेसिबल तक, और अगर साउंड 120 प्लस हो जाती है, 120 डेसिबल जी, तो आदमी के बहरा होने के चांसेस हो जाते हैं जी। अब ध्यान दीजिए, ये जो फिगर है जी, यही फिगर हमारी किसकी होती है जी? बीपी की। अगर आपसे पूछ लेता है नॉर्मल डल्ट का बीपी कितना होता है, क्या बोलते हैं? 120/80। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जी, क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग क्लेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा होता है जी, मैग्नीशियम, इसका आंसर सी आएगा जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जी, हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है, ये होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, इसका आंसर बी आएगा। देखो हमें पता है इमरजेंसी जो है ये तीन तरह की होती है, जिसके आर्टिकल हैं 352, 356, 360। आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट ये तीन तरह के चौके लगा सकता है जी, चार चार का गैप है जी। 352 आर्टिकल जो है ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, यानी देश में इमरजेंसी लागू करनी है। हमारे देश में जी तीन बार अब तक नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, दो बार तो वार के वक्त में हुई थी और एक बार इंटरनल इमरजेंसी के कारण हुई थी 1975 में जी, इंदिरा गांधी के वक्त में। आर्टिकल 356 क्या है जी, ये होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोल देते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है ये मैक्सिमम एक बार 6 महीने के पीरियड के लिए लगाया जाता है, बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल इंदिरा गांधी के वक्त में लागू किया गया था, 33 बार। 360 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड। फाइनेंशियल इमरजेंसी आप ऐसे समझ सकते हो, आप कहीं भी देश का दिवाला निकल जाए उसको बोलते हैं, और ये आज तक इंडिया में कभी भी नहीं लागू हुई जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं जी, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने शेड्यूल दी गई हैं, इसमें 12 शेड्यूल है, इसका आंसर ए आएगा। देखो जब हमारा संविधान बना था तो इसमें ओरिजिनली कितनी शेड्यूल थी, ये थी जी 8। 4 शेड्यूल जो है ये बाद में ऐड हुई है, टोटल कितनी हो गई है 12। जो 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुई है ये कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा हुई है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो जो 9वीं शेड्यूल है ये तो पहली अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई है जी, और जो 10वीं शेड्यूल है इसके आगे 5 लिख दीजिए, ये 52वीं अमेंडमेंट के द्वारा लागू की गई है। 9वीं शेड्यूल जो है जी ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और जो 10वीं शेड्यूल है ये दल बदलू कानून से रिलेटेड है, जिसको बोल देते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट जी। आप इसको ऐसे समझिए, 5 × 10, और जो बार बार दल बदलता है उसको 10 नंबर ही बोला जाता है जी, इसे इजीली याद हो जाएगा। और नीचे वाली दो जो है इनके आगे 7 लगा दीजिए, यानी 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट के द्वारा 11वीं और 12वीं शेड्यूल आई है। 11वीं शेड्यूल जी पंचायती राज से रिलेटेड है, और 12वीं शेड्यूल जो है ये म्यूनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग है जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर, कौटिल्य जी किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, इसका आंसर सी आएगा जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से किसका तख्ता पलटा था, ये नंद वंश का, यानी धनानंद का, और मौर्य एम्पायर की नींव रखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य इसका बेटा कौन था जी, बिंदुसार, जो इसके बाद गद्दी पे बैठा था, और बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, इसका बेटा जी अशोक, अशोका द ग्रेट जिसको बोल देते हैं हम लोग। कौटिल्य जो है जी इसी को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं जी, और इसी का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र, जो कि अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। और क्या पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किताब किसके रिगार्डिंग है। देखो आज की डेट में अर्थशास्त्र का मतलब हम क्या लेते हैं, इकोनॉमिक्स, लेकिन जब ये किताब लिखी गई थी ये किसके रिगार्डिंग है, पॉलिटिक्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेट क्राफ्टशिप, जो स्टेट्समैन होता है वो पॉलिटिशियन को बोलते हैं। और कहते हैं कि इस किताब को लिखने में जी चाणक्य को लगभग 13 साल का वक्त लगा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं जी, विच बुक डिड मोहनदास गांधी राइट, एमके गांधी जी इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, इनकी किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका आंसर बी आएगा जी। हमें पता जी जो माय ट्रुथ है ये किताब किसकी लिखी हुई है, ये इंदिरा गांधी की लिखी हुई है। 2 स्टेट्स किताब किसकी लिखी है जी,
ये लिखी है ये चेतन भगत की। देखो ये चेतन भगत की किताबों के नाम अगर आपसे पूछ लेता है पेपर में, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि किताबों के नाम के आगे गिनती लगी होती है, जैसे 2 लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे इनकी किताब आई 5 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यह भी चेतन भगत की एक और किताब है हाफ गर्लफ्रेंड। तो गिनती से आपको लगभग आइडिया लग जाएगा जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं जी। विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किताब लिखी है जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये। तो इसका आंसर बी आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने जी लगभग 12 किताबें लिखी थी, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे फेमस तो यही है जी इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, या फिर एक और किताब का नाम याद कीजिए इंडिया 2020। ये क्या था, ये ए विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं जी। हु वाज द पोएट ऑफ कदंबरी, कदंबरी किताब किसकी लिखी हुई है जी। कदंबरी की रचना की थी जी बाणभट्ट ने। ये जी आंसर चॉइस में दे नहीं रखा है। वैसे तो जो भवभूति स्कॉलर हुए हैं ये संस्कृत के स्कॉलर थे, ये भी लगभग 8 सेंचुरी में हुए हैं जी, लेकिन इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, महावीर चरित्र। बाणभट्ट की लिखी हुई 2 किताबें अक्सर चर्चा में रहती है, एक तो होती है कदंबरी और दूसरी है जी हर्षचरित्र। इन दोनों में से एक पेपर में अक्सर आ जाती है, तो इस क्वेश्चन का ही आपको ग्रेस मार्क्स मिला होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं जी। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, देखो ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखी गई थी खुशवंत सिंह के द्वारा जी। कब लिखी गई थी, 1956 में। जब देश आजाद हुआ है तो 47 में जो हुआ जी सभी जानते हैं, तो उसके बारे में ये किताब लिखी गई थी खुशवंत सिंह के द्वारा जी। खुशवंत सिंह जी जिनको कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पंजाब रत्न जैसे अवार्ड मिले हुए हैं जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। हु रोट दिल्ली की गलियां, दिल्ली की गलियां जी अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर डी आएगा। अमृता प्रीतम जी जिनको 1956 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, इनकी किस किताब के कारण इन्हें अवार्ड दिया गया था, सुनहरे। और 1981 में जी इनको अवार्ड दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो आपको पता होगा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, और सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनको दोनों ही मिले हुए हैं जी। इनकी जी अनगिनत किताबें फेमस हुई हैं, जैसे रसीदी टिकट है, कागज ते कैनवस है, ये आपको पता होना चाहिए जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। हूज कंपोजिशन इज पवित्र पापी, पवित्र पापी किसकी रचना है जी, नानक सिंह की, इसका आंसर सी आएगा। नानक सिंह की 2 रचनाएं जी जो हम लोग अक्सर करते हैं, एक तो है पवित्र पापी और दूसरी रचना का नाम क्या है, एक म्यान 2 तलवारां। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन फुटबॉल वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स, देखो पता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है मैक्सिमम टाइम किसने जीता है, ब्राजील ने, इसका आंसर डी आएगा। ब्राजील ने ये कप जी 5 बार जीता हुआ है, जबकि इटली ने ये कप 4 बार जीता है, जर्मनी ने ये कप 4 बार जीता है जी, और अर्जेंटीना ने ये कप जी 3 बार जीता है। 2022 वाला जो ये कप हुआ था ये किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने किसको हराया था, फ्रांस को, और ये कप हुआ कहां पे था, ये कतर में, ये पूछ लेते हैं पेपर में अक्सर जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन ने ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन रेसलिंग फ्री स्टाइल एट द 2016 रियो ओलंपिक, 2016 में जो रियो ओलंपिक हुई थी, रियो एक शहर है जी कहां का, ब्राजील का, रियो डी जेनेरियो बोल देते हैं जी। तो यहां पे 2016 की ओलंपिक हुई थी,
इसमें जी इंडिया ने रेसलिंग में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसने जीता था? साक्षी मलिक ने। इसका आंसर बी आएगा जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं जी। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैड टेकन हैट्रिक विकेट इन वन डे इंटरनेशनल। देखो ये तो आपको पता ही होगा, हैट्रिक क्या होता है? लगातार 3 विकेट लेना जी, उसको क्या बोल देते हैं? हैट्रिक। और पहला इंडियन क्रिकेटर कौन था? चेतन शर्मा। इसका आंसर सी आएगा जी। चेतन शर्मा ने हैट्रिक कब मारी थी जी? 1987 में। किसके अगेंस्ट मैच चल रहा था? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था ये। अरे मैच हो कहां पे रहा था जी? नागपुर में। आज तक जी 5 इंडियन हुए हैं जिन्होंने हैट्रिक मारी है। पहला तो आपने पढ़ लिया ही चेतन शर्मा, दूसरी हैट्रिक मारी थी जी कपिल देव ने, कब? 1991 में। और तीसरी हैट्रिक मारी थी कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव, इन्होंने 2 बार हैट्रिक मारी है जी, यानी तीसरी हैट्रिक भी इनके नाम है और पांचवी हैट्रिक भी इनके नाम है। तीसरी हैट्रिक इन्होंने मारी थी 2017 में और पांचवी हैट्रिक इन्होंने मारी थी 2019 में। चौथी जो हैट्रिक है ये किसने मारी थी? मोहम्मद शमी ने, 2019 में ही इन्होंने मारी थी। यानी आज तक इंडिया में हैट्रिक कितने लोगों ने मारी है? 5 लोगों ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। गरबा इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ। गरबा एक डांस फॉर्म है, कहां की जी? गुजरात की। इसका आंसर डी आएगा। वेरी सिंपल जी, जी फॉर गरबा एंड जी फॉर गुजरात। वैसे भी अगर आप जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो आपको पता होगा वहां पे मेनली गरबा ही चलता है और गुजरात की फैमिली दिखाई गई है जी। और डांडिया कहां का है? डांडिया भी गुजरात का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिचुएटेड इन, ये है जी न्यू दिल्ली में। इसका आंसर बी आएगा। इसको जी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? NSDAT, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थिएटर। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं जी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द। देखो हमें पता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान का नाम किससे जुड़ा हुआ है? शहनाई से। इसका आंसर ए आएगा जी। अगर हम सितार की बात करें तो इससे नाम जुड़ा हुआ है पंडित रविशंकर का। सरूद से किसका नाम जुड़ा हुआ जी? शरण रानी बकलीवाल का, या शरण रानी के नाम से इसको आप जान सकते हो जी। और हमें पता है फ्लूट से नाम जुड़ा हुआ है हरि प्रसाद चौरसिया का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं जी। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच एजेंसी फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देखो आपको पता ही होगा इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये फाइनल कर लिया है भी लगभग सभी तरह के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एक ही बॉडी होगी और उसका नाम रखा गया जी NTA, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका आंसर बी आएगा जी। सेंटर लेवल के जितने भी एग्जाम है जी ये कौन सी बॉडी कंडक्ट करवा रही है या इसमें अभी और भी एग्जाम जो है इंक्लूड कर लिए जाएंगे? तो हमें पता है जी एक तो CMAT का पेपर इसके द्वारा कराया जा रहा है। CMAT क्या होता है? कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जी। CUET का एग्जाम भी इसी के द्वारा कराया जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। NEET का एग्जाम जो है जी वो भी इसके द्वारा कराया जा रहा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। GPAT का एग्जाम है जी ये भी इसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जनरल फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद द जाकिर हुसैन कमेटी। देखो ये जाकिर हुसैन कमेटी के साथ जो एसोसिएटेड है ये है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। इसका आंसर सी आएगा। महात्मा गांधी ने अपने विचार जो है जी एजुकेशन के बारे में जो रखे थे ये अपने एक न्यूज़पेपर के द्वारा रखे थे और उसी को ही बाद में नाम दे दिया गया था वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई थी वो इसी से रिलेटेड थी, तो इस कमेटी की सिफारिशों पर जो स्कीम सामने आई है 1938 में तो उसका नाम क्या था? वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है जी 1964-66 इसको हम लोग जी कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं।
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जिसके द्वारा प्लस टू लागू किया गया था। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 जिसको हम लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 वाज कंडक्टेड ऑन स्टूडेंट्स ऑफ, देखो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसको NAS के नाम से जानते हैं, 2017 में ये कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। कौन से बच्चों के ऊपर, तीसरी पांचवी और आठवीं क्लास के बच्चों के ऊपर, ये हमें ये डी में दे रखा है तो इसका आंसर डी आएगा। इसका मेन पर्पस क्या था, स्टूडेंट में क्वालिटी एजुकेशन देना थी, उसमें इंप्रूवमेंट लाना। तो इसके लिए जो तीसरी और पांचवी के बच्चे थे इनके लिए 45 क्वेश्चन के द्वारा टेस्टिंग की गई, और जो आठवीं के बच्चे थे इनके लिए 60 क्वेश्चन दिए गए थे। ये जो सर्वे था जी, इसमें 2.2 मिलियन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो स्कूल शामिल थे वो थे 1,10,000, और ये कहां से थे, ये 36 स्टेट व यूटी से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं जी। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो पहले तो एक चीज देखिए, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जी, जिसको हम बोल देते हैं MHRD, पहले इसका नाम MHRD होता था, अब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि हमें पता है जी, जो स्मृति ईरानी थी इनका पीरियड था 2014 से लेकर के 16 तक, और उसके बाद बने जी श्री प्रकाश जावेदकर। जावेदकर का पीरियड जो है जी ये 2016 से लेकर 2019 तक रहा है। आपका ये जो पेपर है ये 2019 में ही हुआ था, लेकिन यहां पे गौर कीजिए, जावेदकर का पीरियड जो है जी ये 30 मई 2019 तक चला है, और आपका पेपर कब होता है, जून जुलाई में। इट मींस तब ये तो नहीं थे। उसके बाद किसको बना दिया गया था, रमेश पोखरियाल को, जिनको हम निशांक के नाम से जानते हैं, इनको बनाया गया जी 30 मई 2019 को, और इनकी ड्यूरेशन चली है 2021 तक। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा जी, सी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे जो है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन आता है जी, धर्मेंद्र प्रधान। यानी 2021 के बाद हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन के वो यही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं जी। हु इज द करंट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो ये जब आपका पेपर था उस वक्त ये थे जी जनरल बिपिन रावत, इसका आंसर बी आएगा जी। बिपिन रावत का पीरियड जो है जी 2016 से लेकर 2019 तक चला है, 2019 कब जी, दिसंबर तक। उसके बाद कौन बन गया जी, MM नरवाने, ये बनते हैं जी 2019 दिसंबर में, और इनका पीरियड चले 2022 तक, 30 अप्रैल तक जी। और 30 अप्रैल 2022 के बाद जी ये भी चेंज हो गए हैं। इस वक्त कौन है, जनरल मनोज पांडे। यानी अब किसी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ये वर्तमान में है जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। हु इज द कैप्टन ऑफ अफगानिस्तान टीम इन ICC वर्ल्ड कप 2019। 2019 में ICC वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें अफगानिस्तान की टीम का कैप्टन कौन था, ये थे जी असगर अफगान, इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज एन एफर्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर्स। देखो ये नाम से ही समझ आ रहा है हमें, ये है जी आयकर सेतु, इसका आंसर सी आएगा जी। जो ये दे रखा है स्वयं, ये क्या चीज है जी, ये एक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और जो ये स्वयं प्रभा दे रखा है ये भी इसी से रिलेटेड है जी। स्वयं जो है बेसिकली 2017 में शुरू कर दिया गया था, और स्वयं प्रभा में हम क्या देखते हैं, ये 34 DTH ऐड किए गए हैं, यानी 34 चैनल है डायरेक्ट टू होम वाले की। इसमें तरह तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो कि UGC के द्वारा बनाए हो सकते हैं, NCERT वगैरह के द्वारा बनाए हो सकते हैं जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। फाइंड द ऑड वन,
और पूछा गया, ये पहले दे रखा है इंटरनेट, उसके बाद है लिनक्स, फिर है यूनिक्स, फिर है विंडोज, तो इसका आंसर आएगा ये ए। देखो ये लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज है, ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इंटरनेट आपको पता ही है जी, इंटरनल नेटवर्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज फॉर्म्ड द 15th नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी पार्टी है जी जिन्होंने 15th नेशनल असेंबली बनाई है पाकिस्तान में? ये है जी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जिसको हम लोग पीटीआई के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा 15वीं नेशनल असेंबली बनाई गई थी पाकिस्तान में 2018 में, और इनका पीएम कौन बना था? इमरान खान। इनकी पार्टी के पास वोट थे 176, टोटल थे 342, यानी इनके पास मेजोरिटी थी। 2022 में ये जो असेंबली थी इसको भंग कर दिया गया और यहां के नए पीएम बना दिए गए जी शहबाज शरीफ, ये बनते हैं जी 11 अप्रैल 2022 को। और इनकी पार्टी कौन सी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीएमएल। शहबाज शरीफ जो है ये 23वें प्रधानमंत्री बने हैं जी पाकिस्तान के। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।